संचालक महोदय, कप्तान साहब, मातृशक्ति रेडू साहब, सबको नमस्कार और वंदन करते हुए मेरे सामने जो चौधरी छोटूराम और सूरजमल के मैं मानता हूं कि वैचारिक पुत्र बैठे हैं हमारी कौम की सरकार। अपनी बात को मैं शुरू करने से पहले भाई राम अवतार जी ने बताया कि जींद की खापे निर्णय लेती थी, पूरा देश उसके साथ चलता था। एक खास बहादुरी की बात है जींद की मिट्टी में। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का जब जिक्र आता है तो वो इस जींद की धरती का भांजा था और आर्यन पेशवा के नाम से जो विख्यात हुआ पूरी दुनिया में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी पहले जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, महाराजा महेंद्र प्रताप, वो जींद का दामाद था। और हमारे किसान और कमेरे के भगवान चौधरी छोटूराम जी का भी यहां रिश्ता था, उनकी बेटी जींद में ब्याही गई। और मैं ये मानता हूं, आप भी मानते हैं, अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गद्दी तक पहुंचे चौधरी देवीलाल जी, तो जींद के लोगों का उनके संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान और साथ रहा था। मैं अपनी आप बात को आगे बढ़ाऊं, भाई राम अवतार जी ने अपने संबोधन में कहा, हमेशा इतिहास उठाकर हम देखते हैं कि जो कौमें अपने गौरवमय अतीत का दर्शन साथ में लेके शानदार भविष्य को जीत, शानदार वर्तमान को जीती है, तो सुनहरे भविष्य की नींव वही कौमें रखती है। और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में, कोई ग्रेज नहीं है कहने में कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने का क्षेत्र हो, नेतृत्व की बात हो, और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की बात हो, और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट कर आने शहादत की बात हो, हमारी कौम कभी किसी से पीछे नहीं रही। हम सबसे आगे रहे, एक नंबर पे जात को रही। लेकिन एक थोड़ी सी भीरुता, क्योंकि हम सब घर के बैठे हैं, हमारी कौम के, हमारे समाज के सभी साथी बैठे हैं, जब जाट शब्द आता है, मुझे भी पूरे देश में घूमने का मौका मिला, अवसर मिला, जब जाट शब्द आता है, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी मजहब हो, जब जाट का जिक्र चलता है तो उसके दिमाग में एक हष्टपुष्ट, एक चरित्रवान, एक संस्कारित, एक न्यायप्रिय व्यक्ति की छवि आती है कि जाट है तो अन्याय नहीं होगा, जाट खड़ा है तो किसी मजलूम का दमन नहीं होने देगा।